हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कुल प्रसाद निरोला और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कुल प्रसाद निरोला। तो गाइस, कल होने जा रहा है हमारे गांव में शादी, जो कि हमारे बॉबी दीदी का शादी होने जा रहा है। तो अंदर का नज़ारा कुछ पेंडल का ऐसा कुछ है, देखिए। और हमें हमारे बीना जो देख रही है, और उधर में हमारे भाई खेल रही है और वी का साइन दिखा रहे हैं, और इधर में मैं छोटे से बच्चे को लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं है ना इसको खिलाने के लिए, तो मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आगे आगे में क्या होता है आपको दिखाते जाऊँगा। देख सकते गाइस, हमारे निर्मला भी रोटी बना सकती है, और यहाँ में तमन्ना तो घुमा रही है, घुमा नहीं रही है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं गाइस, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं। और इधर में हमारे हजुरामा भी बना रही है, सियाल रोटी बोलते है गाइस। ये देखिए गाइस, ऐसा है सियाल रोटी, यहाँ में हजुरामा बना रही है, ऐसा कुछ नज़ारा है। इधर पहला दिन है, पहला दिन का मैं आपको कसर बटरने का कैसा है हमारा फर्स्ट दिन, जो हमारे नेपाली गोरखाली कल्चर में कैसे कसर बटरते हैं वो दिखाता हूँ। देखिए गाइस, पर देख सकते हैं मेरी माँ भी आ चुकी है, और यहाँ में सब लोग कसर बटर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, और इधर में आधी आदमी लोग बैठे हुए है। यहाँ पर देख सकते गाइस बॉबी दीदी है, और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर सब लोग हल्दी लगाने के लिए रेडी हो रहे है, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, बॉबी दीदी को उनके पिताजी हल्दी लगा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नजर है, देखिए। सो गाइस, तो डे वन का आपने देखा, तो आज स्टार्ट होता है डे टू। तो डे टू में क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अभी अंदर में कैसा है नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पर बैलून वगैरह लगा हुआ है, और इधर में देख सकते हैं यहाँ में जो वेडिंग होगा ना, उसके बाद यहाँ में आके कुछ होगा रस्म, मुझे पता नहीं गाइस। और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ पर चेयर लगाया नहीं है, तो ऐसा कुछ नज़ारा, वहाँ मंडप है देख सकते हैं आप, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर बना है, खूबसूरत बना है गाइस। देख सकते हैं बात खबर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जंटी पार्टी आ चुके हैं, यहाँ पर बैंड बाजा बारात लेके आ चुके हैं, देखिए पूरा डांस करके आ रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ सब लोग नाच रहे हैं गाइस, नाच के पूरा एकदम मस्त में झूम के नाचेंगे गाएंगे, और वहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा को मैं पर बैठेंगे। NL 08269
पर देख सकते हैं 12 दाके बैठ चुकी है। यहाँ पर अभी कुछ कार्यक्रम होगा, आपको दिखाऊंगा मैं, शायद इधर में होगा कार्यक्रम यहाँ पर बैठ के, और ऐसा कुछ नजर आए देखिए। तो अभी इतना ही गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कन्या के लिए आगे जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारी दुल्हन यानी कि बोली जी भी जा रही है। अभी कुछ रस्म होगा, आपको वो भी दिखाऊंगा आगे आगे जाके। देखिए कैसा लगता है गाइस, बिना स्किप करे देखिए गाइस, क्योंकि हमारे नेपाली कल्चर, नेपाली गोर्खाली कल्चर का वेडिंग कैसे होता है मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, कैसा है देखिए गाइस। Oh,
पर देख सकते हैं गाइस, दूल्हा दुल्हन और इधर में हमारे लक्ष्मी दीदी सब लोग मिलके बैठे हुए हैं यहाँ। मतलब दूल्हा दुल्हन को कुछ रस्म करेंगे, यहाँ में हमारे पंडित जी है, पंडित जी पाठ करेंगे और यहाँ पर रस्म करेंगे। देखिए गाइस कैसा लगता है, एंजॉय करिए। तो आगे मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर अभी घोड़ा धोने का रस्म होने जा रहा है। हमारे नेपाली कल्चर में कैसे घोड़ा धोते मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए एंजॉय करिए गाइस। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बड़े जो हमारे यहाँ पर हजुरबा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर उनको मतलब अपनी नातिनी को घोड़ा धोना पड़ता है। देखिए गाइस ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं दुल्हन के मम्मी पिताजी अभी उनके दामाद और उनकी बेटी को जो घोड़ा धोने का रस्म बोलते हैं वो धोएंगे। ऐसा कुछ नज़ारा है, देखिए ये साड़ी हाथा डेटा हूँ, तो ऐसा कुछ नज़र आए। देखिए गाइस अभी पहले पिताजी धो रहे हैं, उसके बाद उनकी मम्मी धोएंगे, दोनों का ही दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। ऐसा कुछ रसम में देखिए गाइस, नेपाली का रसम बहुत ही अच्छा होता है गाइस, देखिए आपको बहुत ही पसंद आएगा गाइस, एंड तक ज़रूर देखना गाइस, आपको मैं झूठ नहीं बोला, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। ओम प्रजापति सुल्तानि विश्वरूपाणि परितामहु वाजकामति जो वस्तु वस्तु वैमु सेवमे रहिनामः श्री छपे लक्षित ऑलराइट गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये दुल्हन के काका काकी है, अभी काका काकी का टाइम आ गया तो काका काकी धो रहे हैं। पहले काका धोएंगे बोला था ना, मैं बोला ना जो मतलब पति पहले होते ना उनको धोना पड़ता है, तो गाइस और उसके बाद बाद में बीबियों को धोना पड़ता है, ऐसा कुछ नज़र है, देखते जाइए गाइस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे दुल्हन के भाई का ट्रान आ गया है यहाँ पर घोड़ा धोने का, उसके बाद और दो भाई है वो लोग भी धोएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना तो भाइयों में, तो ये पहले धोएगा, उसके बाद छोटा भाई धोए वो भी धोएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा, देख जाइएगा इस कैसा लगता है। तो ठीक है गाइस देखिए, वो आदमी ना फिर जाए तुम।
थोड़े थोड़े दुटा आटले गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बॉबी दीदी के जीजू और दीदी अभी उनका घोड़ा धोने का टाइम आ गया है तो धो रहे। कैसा है नज़ारा देखिए, देखते जाइए, मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं जंकी पार्टी को खाना खिला रहे हैं और इधर भी देख सकते हैं सब लोग खा रहे हैं और ऐसा कुछ नजारा है इधर का, सबको दिखा दे रहा हूँ मैं गाइस, देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं अभी बेउला दुल्हन दूल्हा का खाने का टाइम हो गया है। यहाँ में हमारे बिना जो चेयर को साइड कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अभी बेउला भी खाना
Alright guys, तो यहाँ पर देख सकते कुछ रसम होने जा रहा है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। क्या रसम है मुझे तो पता नहीं गाइस, आपको बताए तो कमेंट में जरूर बताना। अंकल साइड दिनु ना ए इनर आउँदैन इनर जाले आउट मान्छे पठाउँ है है यो इधर ए मान्छेले पठाउँछ आउँदैन यो भनेको त हैन यो ल यसलाई भन्दिस के ए जाउ के अब सुर वीरता देखेर ब्याउलाले वीरताको अल्पको झगडा गर्दै थियो ल खबरदार भने यो त के हो अब ब्याउलाले नि लो जगाउन पर्यो खाडो खाडो जगाउन पर्यो खाडो आउँदैन बेला के दशहरी के यो हेर त अ लोकन देखो है तिम्रो एक जना छोरो मान्छेलाई देऊ यो खुकुरी मलाई कपडा मिलाइ भन्नु ला पुरा पत्र आइन नि त होइन सिंदूर लगा दे रहे हमारी बड़ी दीदी का हमारी जीजू ऐसा कुछ नजर है। देखिए गाइस ये फूल का उसकी वजह से दिखा नहीं है।
गाइस तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं दुल्हन को मतलब विदाई का समय हो चुका है और यहाँ पर सब लोग इनोसेंट हो रहे गाइस, सब लोग रो रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ गाइस, मेरे को भी एकदम मन से दुख रहा है, तो मैं भी बात नहीं करूँगा गाइस क्योंकि मेरे को भी रोना आ जाएगा ना गाइस। तो देखिए गाइस नरुनी मान्छे जतिकै गर राम्रो हुन्छ। तो गाइस शादी का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में एक और बार लौटूंगा, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू सून।